अब एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दरअसल आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और ये बैठक जो है बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। क्या कुछ खास बातें इस बैठक को लेकर वो आपको हम समझाते हैं। दरअसल दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है और इस दो दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ अमित शाह समेत 350 बीजेपी के कार्यकारी सदस्य ऐसे हैं जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दरअसल इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसके अलावा अगले साल 2024 में भी आम चुनाव होंगे और आने वाले इन्हीं चुनावों पर इस बैठक में मंथन होने की बात कही जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बेहद अहम बैठक जो है वो आज होने वाली है, कुछ ही देर बाद ये बैठक भी होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करने वाले हैं और उसके बाद बैठक में शामिल होंगे, बैठक को संबोधित करेंगे। मिशन 2024 के तौर पे इस बैठक को देखा जा रहा है कि मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। इस साल की अगर बात कर ली जाए तो कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, करीब 9 राज्यों में इस बार चुनाव होने हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, वहां अगर चुनाव को लेकर की बात आती है तो कुल 10 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। तो बीजेपी पूरा जोर लगाती है चुनाव में, ये तो माना ही जाता है और इसी को लेकर के बीजेपी मोड में भी आ चुकी है, चुनावी मोड में। सागर, बिल्कुल, बीजेपी की तैयारी कुछ ऐसी होती है कि अगर एक राज्य में चुनाव खत्म हुआ तो अगले राज्य में कैसे झंडा अपना गाड़ा जाए, कैसे वहां पर फतह की जाए, इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सन 2024 यानी कि फाइनल मुकाबला, उस फाइनल मुकाबले की पहले 9 सेमीफाइनल मुकाबले यानी कि विधानसभा चुनाव, लगातार उसकी तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इन तैयारियों के बीच अगर हम बात करें आज के कार्यकारिणी की बैठक को लेकर, तो क्या कुछ इसमें खास है वो भी आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए। बिल्कुल, कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, जल्दी से वो स्क्रीन पर आ जाए। तो उस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर फोकस जो है वो रहेगा कि 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो किस रणनीति के साथ लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, इन तमाम बातों पर फोकस रहेगा। क्या रणनीति होगी देखना होगा। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुल राज्य ऐसे हैं कुछ जिनमें विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उनको लेकर के भी इसमें मंथन होगा। अपने विज्ञापन पर खर्चे हैं वो पैसा देना नहीं है, इसलिए ड्रामेबाजी करके नए नए मुद्दों को लाना और हमेशा इस प्रकार की बातें करना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना है, पुरानी आदत बन चुकी है। अभी सीबीआई के बारे में भी झूठ बोल रहे थे। द आम आदमी पार्टी हैज मास्टर्ड द एक्ट ऑफ ABCD पॉलिटिक्स, द ए फॉर एडवर्टाइजिंग, बी फॉर भ्रष्टाचार, सी फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड डी फॉर डाइवर्जन यूजिंग अ विक्टिमहुड कार्ड एंड लाइज। वंस अगेन द आम आदमी पार्टी इज रिजॉर्टिंग टू लाइज। द फैक्ट इज दैट द LG ऑफिस हैज क्लैरिफाइड दैट नो प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड बाय द LG ऑफिस। द फैक्ट ऑफ क्या दिक्कत तो दरअसल इस साथ पुणे वालों को आप सुन रहे थे, जो आम आदमी पार्टी पर जो लगातार चल रहा है पोस्टर वॉर को कह लीजिए, आप ये एडवर्टाइजमेंट को लेकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन हम वापस आ जाते हैं अपनी खबर पर, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हम बैठक करते और वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी है। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है, हर जगह से अपडेट इस रोड शो को लेकर दे रहे हैं। एक बार फिर से पटेल चौक पर रुक कर लेते हैं जहां से अजान अंसारी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजान, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर आपको देखने को मिले, कितनी तादाद में और जो कार्यकर्ता है वो वहां पर इकट्ठा होते हैं, उसमें कवरों के करते थे। ये मोदी जी का जनता के प्रति प्यार है और जनता का भी मोदी जी के प्रति जो प्यार है वो नजर आ रहा, देखो जितना बड़ा जन सैलाब है। आपसे पूछना चाहूँ, क्या 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बिल्कुल निसंकोच 2024 में पुनः मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। ये विधानसभा के चुनाव जो भी हुए हैं आपके गुजरात से, ये संदेश जा रहा है तमाम विधानसभा उपचुनाव यहाँ पे हुआ है आपका, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जनमत, जनता का जो जनादेश मिला है उससे पता चलता है कि 2024 में पुनः सरकार बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हारों किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो जनता का जनादेश जो मिलता है वो हम स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कमी रह गई है जो हम उसको पुनः सुधार करके कैसे जनता का जनादेश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, क्या 2024 में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, और जो अभी पहले हुआ है उससे बहुत बड़ा जनादेश मिलेगा, जिससे मोदी जी के और ज़्यादा हम लोग को सहयोग मिलेगा, जिससे और ताकत से हम विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सरकार बहुत शानदार चलेगा। देखिए तो साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, इसके बाद वो संसद मार्ग जाएंगे, उसके बाद NDMC कन्वेंशन और उसके बाद वो बैठक में हिस्सा लेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे, समर्थक बड़ी तादाद में उनका स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ हसन अंसारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। देखिए, आपने सुना किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता काफी जोश में हो, भी क्यों ना, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के इसी तरह से जगह जगह पर आज के दिन दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगे हुए हैं।
पूरी दिल्ली की सड़कें इसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर के द्वारा पटी हुई है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि सन 2024 की ये रणनीतियां हैं, शक्ति प्रदर्शन है। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की, तमाम देखिए नेताओं की पहुंचने का धीरे धीरे सिलसिला भी वहां पर जारी है। कई दिग्गज नेता आज के दिन इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। नेता बिल्कुल 2024 के लिहाज से ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है तो उसमें कई अहम फैसले लिए जाते हैं। और वजह भी है क्योंकि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इतनी ताकत होती है कि अगर हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उनको हटाने का, उनको रखने का फैसला भी इसी बैठक के जरिए तय होता है। और जब भी कुछ बीजेपी बड़ा करने जाती है तो ये बैठक के बाद ही उसी बैठक में फैसला होता है, उसी बैठक में तय होता है कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है। सागर देखिए बिल्कुल टच वॉल के जरिए आपको ये भी हम दिखाएंगे कि आखिर कार्यकारिणी की बैठक में कौन कौन से प्रमुख वो सदस्य हैं जो शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, विशाल जौली, ये वो तमाम दिग्गज चेहरे जो शामिल होंगे बैठक में। वहीं कन्ना लक्ष्मी नारायणन, किरेन रिजिजू और विजया चक्रवर्ती, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, भगीरथी देवी, नित्यानंद राय, सरोज पांडे, ये भी नेता आपको बैठक में आज के दिन दिखाई देंगे जो बड़े फैसले लेते हैं सभी बैठकों में कार्यकारिणी के। ये तमाम नेता अजय चंद्राकर, लता उसेंदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, कृष्णपाल गुर्जर, सुनीता दुग्गल, अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, प्रहलाद जोशी, ये भी वो नाम जो आज के दिन बैठक में आपको दिखाई देंगे। वही निर्मला सीतारमण, वी मुरलीधरन, वही राजशेखरन, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर विनय और चित्रा किशोर बाघ, ये भी शामिल होंगी आज के दिन बैठक में। लेकिन बैठक का देखिए आखिर महत्व क्या होता है, आखिर ये बैठक बार बार की क्यों जाती है, ये भी आपके लिए समझना देखिए बेहद जरूरी है। एक बार दर्शकों को ये भी दिखाइए कि आखिर बैठक का महत्व क्या है और बैठक में कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं, पावर किसके हाथों में। निदा बिल्कुल, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव पर फोकस जो है वो रहेगा। तो आज का एजेंडा दरअसल क्या है इस बैठक का, वो सबसे पहले आप जान लीजिए, वो आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि 2024 चुनाव पर रहेगा फोकस। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव भी होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बीजेपी रणनीति तैयार करेगी कि आगे कैसे मैदान में उतरना है। देखिए बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा ये भी है कि किसके हित में कौन से फैसले लिए जाएं, इस पर भी विचार विमर्श आज के दिन किया जाएगा। बिल्कुल, बैठक की शुरुआत जो है वो अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से होगी। तो जैसे ही शुरू होगी बैठक तो तुरंत अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उनके संबोधन से ही इस बैठक का आगाज होना है। समापन जो होगा वो मंगलवार को पीएम मोदी के भाषण से किया जाएगा। दो दिन दरअसल ये बैठक चलनी है, तो शुरुआत होगी जेपी नड्डा के साथ और समापन होगा पीएम मोदी के भाषण के साथ। देखिए बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा 30 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, 12 मुख्यमंत्री जैसा कि हमने जिक्र किया, और 5 उपमुख्यमंत्री भी बैठक में आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अजान अंसारी लगातार पटेल चौक पर मौजूद हैं और दीपक चौबे भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल अजान अंसारी का ही हम रुख कर लेते हैं। अजान अंसारी, इन लोगों से जरा एक बात समझने की ये कोशिश कीजिए कि देखिए अभी जो है मौजूदा वक्त में दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं था, एमसीडी चुनाव जो है वो बीत चुके हैं, जिन राज्यों में चुनाव था वो हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल जो मकसद है इस रोड शो का वो क्या है? क्या वाकई बीजेपी आज फिर से ये दिखाने की कोशिश कर रही है, इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जाए या फिर इसे खाली पीएम मोदी का रोड शो कहा जाए? इस रोड शो की जरूरत क्यों आन पड़ी, जरा इनसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बिल्कुल नीदा, मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए मौजूद है। जी मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, दिल्ली में ना तो कोई हाल फिलहाल में भी चुनाव है, एमसीडी का था वो भी गुजर गया, ना कोई विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में कोई ऐसा इवेंट नहीं है, लेकिन इस रोड शो का क्या मतलब निकाला जाए? क्या 2024 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए मोदी जी जब दिवाली होती है तो देश की सेना के साथ में, जो सरहद पे सेना माइनस डिग्री में होती है उनके साथ तो दिवाली मनाते हैं, उसी तरह होली वो देश की सरहदों पे जो हमारे सैनिक उनके साथ होते हैं। तो मोदी जी केवल चुनाव को देखकर रोड शो नहीं करते, वो दिल्ली, वो देश की जनता से मिलना चाहते हैं, वो कभी भी अपने आप को वीआईपी सुरक्षा में नहीं रखना चाहते हैं। तो ये दिल्ली की जनता का सौभाग्य है, दिल्ली की जनता से मिलने वो आए हैं। और ये जो मोदी जी का अजान, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए कि आज का जो दिन है, आज ना होली है और ना ही आज दिवाली है, तो यहाँ पर ना सैनिक नजर आ रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ पर, फिर किसने ये रोड शो? मुझे मिलेंगे, आपने देखा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए आपने बताया होली का जिक्र किया, आपने दिवाली का जिक्र किया, ना तो आज होली है ना दिवाली है, तो आज ऐसा क्या खास है जो आज रोड शो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? इसके मायने क्या निकल कर आ रहे हैं? किस तरीके से इस रोड शो को आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए दिल्ली की जनता के लिए आज दिवाली है, आज होली है,
वो मोदी जी लोगों से आके मिलेंगे, रूप मिलेंगे, इस रोड से निकलेंगे। विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब से दिल्ली से गुजरी है तो प्रधानमंत्री मोदी भी एक्टिव हो गए। देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो देखिए, मैं जिस तरह से राहुल गांधी जी का ये तो बीच कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा चली, जो कांग्रेस खत्म होने के कगार में है उस कांग्रेस को जोड़ने का है। ये लोग झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ये इन्होंने देश को 60 साल में देश को बर्बाद कर दिया। आज देश कहीं से कहीं पहुंचना चाहिए, इनके नेताओं ने हमेशा देश के अंदर फूट डाली। आज कश्मीर का मुद्दा हो, ये लोग हमेशा राम मंदिर के विरोध में ये लोग थे, तो इनको केवल ये तो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। दिल्ली में अभी चुनाव निकले हैं, दिल्ली एमसीडी देख ली जाए या जान आपके पास लौट कराऊंगा। सहयोगी दीपक चौबे भी बने हुए, असल में कार्यकारिणी की बैठक के पहले रोड शो है, उस पर भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैठक से जुड़ी क्या अपडेट है दीपक फिलहाल आपके पास, कितने बजे से बैठक शुरू होगी और कौन कौन से नेता अभी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए दीपक? तो मैं एनडीएमसी सेंटर में यही पे देखिए पूर्व दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अंदर जा रहे हैं और इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृहमंत्री अमित शाह हो और जितने बीजेपी के जो नेता है वो देखिए बीजेपी यूपी बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी वो पहुंच चुके हैं, उनके साथ संगठन मंत्री है यूपी के, तो सारे जो नेता है वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो थीम जो रखा गया है वो रखा गया है गरीब कल्याण हमारा संकल्प, सबका साथ सबका विकास। बात यह तो देखिए अगर इसमें एक चीज और भी है कि इस बार जो इस सेंटर के अंदर एक एग्जीबिशन लगाया है जिसमें छह तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है, चाहे वो भव्य राम मंदिर की बात की जाए या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए, महाकाल कॉरिडोर की बात की जाए। देखिए ये जो गेट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने ज्ञान में से कहूंगा कि ये गेट दिखाए, देखिए इसमें चाहे वो वंदे भारत हो या फिर ब्रह्मोस हो, इस तरीके से सब जगह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हो, ये पूरा जो गेट है उसको पूरा उस तरीके से छह थीम से सजाया गया है कि जो अंदर छह थीम जो लगे हैं जो एग्जीबिशन है इसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस साल करीब 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव। इसमें एक और चीज है जो सजाने की आपने बात कही, अब जब पीछे तस्वीर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है केदारनाथ धाम की याद आ रही है, कुछ वैसे ही लुक में यहाँ बाहर सजाया गया। ठीक है वो सजावट की तो बात आप कर ही रहे बता ही रहे हैं, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब मान लिया जाए कि बीजेपी ने एक तरीके से औपचारिक तौर पे कहें तो 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जी देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि 2024 से पहले 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो भी इसी साल, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में वहां हो, अलग अलग राज्यों में करीब 8 राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव उसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। दूसरी बात है कि आपने कहा जैसे कि लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा देखिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो माफी चाहता हूँ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनका दोबारा से रिपीट किया जा रहा है कि उनको दोबारा से कार्यकाल उनका बढ़ाया जाएगा। इससे पहले की अगर बात की जाए तो जब इसमें आज नहीं तो कल हमारे सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि उनकी घोषणा हो जाएगी कि बीजेपी के जो दोबारा जो अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा ही बने रहेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद जब बनेंगे, हालांकि उनका जो जो कार्यकाल है वो 20 जनवरी का है, उसके बाद वो जुट जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। जैसे यहाँ से उनका नाम अनाउंसमेंट होगा उसके बाद अगर बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले बंगाल का दौरा करेंगे और उसके बाद यूपी के पूर्वांचल जहाँ गाजीपुर। चलिए तो दीपक इस चीज का भी थोड़ा सा इंतजार है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपके पास आता हूँ। अजहान भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे जो कि पटेल चौक पे मौजूद हैं, रोड शो जहां से शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स हैं, चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो ताकतवर कितनी है इसको जरा सा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। बीजेपी में होने वाला हर बड़ा फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी से होकर गुजरता है, यानी बीजेपी में जो भी फैसला लिया जाता है इस कार्यकारिणी से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास पार्टी अध्यक्ष को हटाने तक की शक्ति होती है। बीजेपी के संविधान में संशोधन का अधिकार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिया गया है। पार्टी के लिए नए नियम तय करने का जिम्मा भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास ही होता है। अमूमन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में सर्वसम्मति से फैसले होते ही हैं। कभी मतभेद उभरे तो मतदान की स्थिति भी बनती है। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक साल में कम से कम 3 बार होती है। पार्टी का नीति निर्धारण भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए भी किया जाता है। तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ताकत है
बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने जा रही है। निधा बिल्कुल हमारे सहयोगी अजहान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम लगातार रोड शो पर भी नजर बनाए हुए हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। अजहान हम चाहेंगे कि एक बार जरा इन लोगों से बातचीत कीजिए, कहां कहां से ये लोग आए हैं और कितना बेसब्री से इंतजार इन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक पाने के लिए। देखिए बिल्कुल मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, ये लोग कहाँ से आए हैं और किस तरीके से आज भव्य तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने वाले हैं। जी भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हैं। तो किस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी का आप स्वागत करने वाले हैं? आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, मोदी जी उसमें आ रहे हैं, तो पता लगा कि आज मोदी जी कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलते हुए बीच में से निकलेंगे, तो मोदी जी को देखने के लिए उनके दर्शन करने के लिए हम आ गए हैं। और मोदी जैसा नेता सदियों में पैदा होता है, हमारा सौभाग्य है कि हम मोदी जी को देख रहे हैं, उनके कार्य को देख रहे हैं। एक नरेंद्र थे स्वामी विवेकानंद, उनका नाम भी नरेंद्र था, विश्व पटल पर उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, आज वही कार्य मोदी जी कर रहे हैं। आज विश्व में देखिए, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मोदी जी को आशा भरी नजरों से देख रहा है, चाहे यूक्रेन और रशिया का मामला हो, सब चाह रहे हैं कि मोदी जी उसमें पहल करें। तो आज विश्व गुरु एक तरह से मोदी जी भारत को विश्व गुरु के रूप में। बिल्कुल और भी कुछ लोग हैं, आपको मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो बड़ी संख्या में जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करने के लिए उनके चाहने वाले उनके कार्यकर्ता ही आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग और हैं जी, क्या क्या नाम होगा आपको, आप कहाँ से आए? अवनीश पांडे, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूँ, प्रभु श्री राम जन्मभूमि से। उत्तर प्रदेश का खास आप इस रोड शो के लिए आए जी? मैं उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से स्वागत करने वाले हैं? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी वैश्विक स्तर पर इनकी नेतृत्व और इनकी शक्ति, ठीक है अजहान तो थोड़ी देर और इंतजार है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए वहां पटेल चौक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया अजहान आपका तमाम जानकारी के लिए, दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।